थ्योरेटिकल लाइन तक आपको टिक करना, उसके बाद 2 से परपेंडिकुलर एक लाइन 1 यूनिट का लेना है। तो इस तरह से आपके पास ये 2 से 2 यूनिट और ये 1 यूनिट होगा। फिर हम क्या करते हैं, इसके वर्टेक्स को फर्स्ट वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारे पास इस टाइप से एक ट्रायंगल बनता है, इसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी। इस ट्रायंगल में हम देखते हैं हमारे पास 2 साइड्स गिवन है, ए बी एंड बी सी। थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करनी है ए सी। तो इस ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, बिकॉज यहाँ पे एंगल बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री, जैसे कि हमने खुद ने खींचा है इसको। ए बी 2 यूनिट खींचा है, बी सी 1 यूनिट है और बी जो एंगल है 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल 90 डिग्री होने की वजह से कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम इसकी थर्ड साइड ए सी निकालते हैं तो 90 डिग्री के सामने है, इस वजह से ये हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, बोलैन थ्योरम भी कह सकते हैं। तो चलिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 1, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 5, ए सी की वैल्यू रूट 5। इस टाइम से ए सी की वैल्यू रूट 5 आ जाएगी हमारे पास, वहां से हमने निकाली अभी, इसलिए मैंने यहां पे रख दी। अब ए सी के इक्वल आपको आर्क करना है कंपास में और उसको इस टाइप से घुमा देना है ऐसे। ये जहां भी इस लाइन को कट करेगा वही डिस्टेंस हमारी ए से डी होगी, जिसको हमने नाम दिया डी। तो ए डी जो होगी रूट 5 इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं ए सी इक्वल टू ए डी इक्वल रूट 5। रूट 5 डी जो पॉइंट है हमारा किस पर है, नंबर लाइन पर। तो हम कह सकते हैं रूट 5 नंबर लाइन पे यहां पे होगा। क्लियर है, पुल द वीडियो नोट इट डाउन।